स्क्रीन टैप करो, डबल टैप करो, स्क्रीन जूम हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट, जब कोई लाइट, पहली बात लाइट के बारे में, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रे, मींस हीरन। ठीक है, जब बहुत सारी रेज को हम इकट्ठा बोले तो उसको हम बोलते हैं बी। ठीक है, दैट इज द बी। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब कोई लाइट किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करके वापिस बाउंस जाती है, बाउंस होके बैक जाती है। जब कोई लाइट, ये क्या है, ठीक है, तो जब कोई लाइट किसी हार्ड सरफेस के ऊपर टकरा के वापिस जाती है, इस वापिस जाने वाली लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट टकरा के वापिस जा रही है, वंशिका। ठीक है, तो दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइट इस हार्ड सरफेस के ऊपर पड़ी, ये जो लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है कमिंग लाइट, और जो इसको स्ट्राइक कर रही है, उस वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फिर हार्ड सरफेस के साथ टकरा के बाउंस बैक जा रही है, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये एरो हेड जो है वो शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एरो हेड क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस साइड में, मतलब इस साइड से लाइट जा रही है और यहाँ पे हार्ड सरफेस के ऊपर टकरा रही है, जब बाउंस बैक होके जा रही है तो उसकी डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, सिंपल सी बात है, लाइट आई हार्ड सरफेस के पास, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वापिस गई, टकरा के वापस जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। एक मिनट, बच्चे ज्वाइन ही बहुत लेट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ रिफ्लेक्शन। इतना सबको समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलते हैं, इसमें एंगल्स आपको याद कर रहे हैं। फर्स्ट आपको बोल रहा है आपका इंसिडेंट रे। सपोज इंसिडेंट रे की मैंने यहाँ पे टॉर्च का फोकस किया इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, ये मिरर है। ठीक है, सो जहां मिरर पे ये स्ट्राइक करती है और फिर वापस जाती है, उस चीज को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वो, आपकी बुक में भी दिया होगा, दैट इज अ ओ। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है इसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, और जो वापस जा रही है उसको हम बी बोलेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर बनाती हूँ। A, O and B, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है? Reflected ray, a ray that comes back after the reflection from a hard surface, है ना? Is called a reflected ray and it's a OB. OB is your reflected ray and OA is your, AO is your incident ray. ठीक है, ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी इज योर रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस मैम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस
ठीक है, उसको यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ओ के ऊपर, और उसका हम नाम देंगे एन पॉइंट. एन मीन्स नॉर्मल, एन ओ आर एम एल, नॉर्मल. ठीक है, हम इस पॉइंट ओ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम नेम देंगे एन. एन मीन्स नॉर्मल. ठीक है, ये नॉर्मल. तो ये नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स? तो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर है जिसको हमने ड्रॉ किया. ठीक है, जिसको हमने ड्रॉ किया वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस. जहां पे इंसिडेंट रे जिस सरफेस मिरर के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की है, टकराई है, उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम हमने दिया नॉर्मल. ठीक है, और उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो अब आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, टू मार्क्स आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो स्टूडेंट्स, जो एंगल आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या है? ए ओ एन बन रहा है ना इस तरह से. ये एंगल बना, बना यहाँ पे एंगल, तो दैट इज ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. दैट इज ए ओ एन, है ना? समझ में आ रहा है? ए के बीच में, ओ के बीच में और एन के बीच में बना लिखा हुआ है. इनके तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब आता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जो एंगल आपका, देखो पहला क्या है, एन ओ और बी के बीच में बन रहा है, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एन ओ बी. डायरेक्शन ठीक रखनी है, एन ओ बी, एन ओ बी. समझ में आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो ये आपको लर्न करना है, ये टू मार्क्स का क्वेश्चन आपका ही आता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ प्रैक्टिस योर टू आपने करना है. हम नेक्स्ट रीड करूं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे आपको 9, 10 याद है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? मैम रीड करूं? नहीं, आपने करो. मैम कैमरा रीड करो. रिफ्लेक्शन, यस कृतिक, आप पढ़ोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? मैम कैन आई स्टार्ट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट्स स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन द अबव एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द reflecting surface, the ray is reflected by the surface in such a way that an angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incident, angle I. Okay. Angle of reflection law, first law of reflection हम समझ लेते हैं. तो ये आता है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है. अगर 2 मार्क्स का पूछा जाएगा तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करो, इस तरह से आता है. सिंपल सा है लॉज ऑफ फर्स्ट. पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है, वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ये है फर्स्ट लॉ, बहुत इजी है, ठीक है। तो मींस इंसिडेंट, एल आई सॉरी एल आई बोल रही हूँ, एंगल, इसलिए एंगल का साइन होता है, ठीक है। आई मीन्स इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर ही होंगे, समझ में आया। सेकेंड लॉ बोल रहा है, क्या बोलते हैं सेकेंड लॉ, पढ़ोगे? Yes, sir. Second law of refraction. If you observe that above activity, you can find that the incident ray, the reflected ray and the normal lie on the same sheet of paper. This is second law of reflection, which states that the incident ray, the normal ray and the reflected ray lie on the same plane. Okay, ab second law dekhi. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है आपका सेकेंड लॉ बोलता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों चीजें कौन सा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, एक ही सरफेस के प्लेन के ऊपर ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है इसमें आपने क्या मिरर रखा हुआ है, रिफ्लेक्शन सॉरी इंसिडेंट इस वाले मिरर पे पड़ रही है ए, और रिफ्लेक्शन जो है वो बी मिरर पे हो रही है और सी मिरर पे नॉर्मल बन रहा है, मतलब एक ही सरफेस है तीनों के लिए, ये सब तीनों चीजें एक ही सरफेस के ऊपर हो रही है, एक ही प्लेन ऑफ सरफेस के ऊपर हो रही है, समझ में आई बात की नहीं समझ में आई? यस मैम ऐसे नहीं बोल रहे, ठीक है। मतलब जैसे देखो ये स्केल है, ये स्केल है, यहाँ पे मैंने टॉर्च की लाइट फोकस किया तो इस सरफेस के ऊपर ये लाइट पड़ी टॉर्च की, तो यही इसी सरफेस से टकरा के वापस जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे मेरे हैंड से टकरा के वापस जाएगी, नहीं, जो जहां पे इंसिडेंट हो रही है वहीं से रिफ्लेक्शन होगी, जहां पे इंसिडेंट हो रही है वहीं पे रिफ्लेक्शन होगी, सेम प्लेन ऑफ मिरर, सेम प्लेन ऑफ सरफेस, कोई भी सरफेस है उसी उसका जो प्लेन है, प्लेन मीन्स प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना, दैट इज द प्लेन ऑफ अ स्केल, है ना, इसी ही सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी और इसी के ऊपर ही नॉर्मल बनेगा, मतलब तीनों चीजें एक ही सरफेस पे होंगी, ठीक है। सिंपल सा है, फर्स्ट लॉ इक्वल होंगे दोनों एंगल, थर्ड लॉ तीनों चीजें एक ही सरफेस पे होंगी, ये लॉ नॉर्मल से, समझ में आया? सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ में तीनों चीजें एक ही सरफेस पे लाई होंगी। Yes, इसमें सेकंड लॉ बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है ना उसी ही सरफेस के ऊपर से होगा और नॉर्मल भी उसी सरफेस के ऊपर होगा जहां पे इंसिडेंट हो रही है रे, जहां पे आपकी लाइट पड़ रही है वहीं से ही उसी ही सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, सबके लिए तीनों के लिए एक ही सरफेस होगा, सेम प्लेन ऑफ सरफेस होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर आप लाइन्स को दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, समझ में आ गई बात की नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक बार ये लॉज पढ़ेंगे, मैं सुनूंगी अभी। तो ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 10-12 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तो यहीं से आ जाता है और 5 मार्क्स की आई की डायग्राम आती है ड्रॉ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल क्या होता है, जब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा ये तो तीनों चारों चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है, लॉज पूछा जाएगा तो दोनों लॉज लिखने हैं, फर्स्ट लॉ भी और सेकेंड लॉ भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो दोनों लॉज लिखे जाएंगे, अगर आपसे एक एक पूछा जाता है तो दो दो मार्क्स का आता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, वंशी का पढ़िए फटाफट, वंशी का। यस सर, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन,
Depending on the smoothness or roughness of the surface, diffraction of light can be classified as regular and diffuse diffraction. Regular diffraction. When reflection takes place from a smooth and polished surface, it is called regular diffraction. For example, reflection from mirrors, spherical mirrors, and metal surfaces. Irregular reflection may be performed. We see the image of our face in a mirror or any other smooth surface due to regular reflection. Diffuse diffraction. When the reflection takes place from a rough surface, the light is scattered in all directions, and such a reflection is called diffuse or irregular reflection. Most of the objects around us do not have perfectly smooth surfaces. Thus, when light falls from them, the small bumps and irregularities present on the surfaces cause the light rays to scatter in all directions after reflection. Hence, no image is formed, but this makes the thing visible. Yes. अभी देखो हमारी टू टाइप्स की रिफ्रैक्शन होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है आपकी इरेगुलर या डिफ्यूज्ड बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सरफेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जहां पे सरफेस आपका स्मूथ होगा तो यहाँ पे जो भी लाइट इंसिडेंट होगी तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इस वाले डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जहां पे मेरे हैंड की डायरेक्शन है, इस साइड ही जा रही है। दिख रहा है सबको ब्लैक बोर्ड में? यस मैम। यस है ना, ये क्यों जा रही है, किस साइड में ये जा रही है? स्मूथ सरफेस की वजह से। सरफेस कैसा है? बिल्कुल प्लेन और स्मूथ है। तो रिफ्लेक्शन जो लाइट होगी, जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है ना, तो वो उनकी जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है उनकी डायरेक्शन एक ही साइड है। तो इससे क्या होता है, हमारी शक्ल आईने में दिखती है इसकी वजह से, ठीक है। दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलरिटी है, एक तरफ जा रही है, रेगुलरिटी है, तो हमें अपनी मिरर में इमेज दिखती है। बट अगर हम बात करें दैट इज अ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर, तो हमारे पास हमारे सराउंडिंग बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका सरफेस कैसा होता है, बम्प्स होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, उबड़ खाबड़ सा होता है ना। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है जब कोई लाइट यहाँ पे गिरी तो ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे गिरी तो ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे जाएगी, इस तरह कोई रेगुलरिटी नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, जहां मन कर रहा है वहां पे लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट हो। क्यों? क्योंकि आपके सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस कैसा है, ऊपर खपड़ है, यहाँ पे टकराएगी, ऊपर है थोड़ा सा तो यहाँ पे टकराएगी, कहीं और जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रेटर बना हुआ है तो ये कहीं और जाएगी, है ना। तो चारों तरफ वो ना रिफ्लेक्टेड रेस फैल रही है, एक जगह रेगुलरिटी नहीं है, तो इस वजह से वो चीज तो हमें विजिबल होती है बट उसकी इमेज नहीं फॉर्म हो पाती। दैट इज अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आया? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल सा दो चीजें हैं। आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, जहां पे सरफेस स्मूथ होगा। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, जहां पे सरफेस स्मूथ नहीं होगा, बम्पी स्मूथ सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ सा होगा। अनन्या आपने मुंह में क्या डाला बेटा, भूख लगी है, हाइलाइटर खा रहे हो, भूख लगी है? खाने को नहीं दिया, हमने लंच नहीं दिया आज, क्लासेस के बाद खाना, तभी तभी पेन के भूख मिटाई जा रही है, पेन को खा, हाइलाइटर को खा के, है ना। अगर मैं नहीं बोलती इस वक्त तो आपने पूरा का पूरा खा लिया होता, है ना अनन्या। ओके, सो दैट इज अ डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इतना सबको समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। करेंगे इमेज ऑन प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में, एक प्लेन आईने में इमेज कैसे बनती है? अनन्या जब अपनी शक्ल आईने में देखती है तो दूसरी साइड अनन्या कैसे दिखती है, वो चीज पढ़ेंगे आप यहाँ, ठीक है, कि प्लेन मिरर में हमें इमेज कैसे बनती है, ठीक है। सो 2 मिनट्स हैं, कनिका आप रीड करेंगे।
Yes, ma'am. Images formation by plan mirrors. Aesthetic. Every time when I look at myself, myself in the mirror, my right hand appears to be on the left in the image. Why it is so? Clonidad. It is due to the phenomena called later inversion. To understand this phenomena, we need to first know about the formation of image in a plane mirror. This topic read karna class mein padha hi hoga. Jab hum letters ko aaine mein dekhte hain, mirror mein dekhte hain, to wo hame kaise dikhte hain? Inverted dikhte hain. पढ़ा है ना हमने. अभी हम देखे भी आईने के सामने, अब अपनी बुक को दे रखो तो आपको उल्टे शब्द दिखाई देंगे. होता ना ऐसा, उल्टा दिखता है ना. और yes. हमारा राइट पेन है तो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड में दिखता है ना. अक्षित कुमार 1009, बहुत टाइम से बात कर रहे हो आप किसी के साथ. ठीक है, तो वो क्यों दिखता है? उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. उस वजह से हमें दिखता है. जो हमारा राइट साइड है वो हमें मिरर में लेफ्ट दिखेगा, उससे उल्टा दिखेगा, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है, ये आपने पढ़ा है. सो अभी हम सबसे पहले लेटरल इन्वर्जन को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती है. यस कनिका, पढ़ेंगे. अच्छा टाइम हो गया अभी कनिका, कोई बात नहीं. सो स्टूडेंट्स, कल हम ये एक बार आप भी पढ़ के आना, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है, ये कल हम देखेंगे ये कैसे बनती है इमेजेस. चैप्टर लेंथी है ये, ऑप्टिकल एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लॉज और ये रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक बार पढ़ के आना, पहले कल मैं सुनूंगी. ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? उसमें है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और तुम्हारा नॉर्मल एक ही सरफेस के प्लेन के ऊपर बन रहा है, अलग अलग नहीं बन रहा. ये है और पहला है, दोनों एंगल इक्वल है, और तीसरा सेम प्लेन ऑफ सरफेस पे बन रहे हैं. दे आर फॉर्मड ऑन अ सेम प्लेन ऑफ सरफेस. ठीक है, अलग अलग सरफेस के प्लेन पे नहीं बन रहे हैं, एक ही सरफेस पे बन रहे हैं. ओके ओके स्टूडेंट.